सबके लिए स्ट्रेसफुल है। हम ना तो बाहर किसी इंसान से फेस टू फेस बात कर सकते हैं और ना ही नेचर के पास जा सकते हैं। इतने दिनों तक घर में बंद रहने से हमारे दिमाग पर भी इसका बुरा असर पड़ता है और ये हमें स्ट्रेसफुल बनाता है। तो चलिए हम घर के अंदर और आसपास के माहौल में कुछ एनर्जेटिक वाइब्स जनरेट करते हैं। इसके लिए देहरादून की मशहूर डांसर सारी पयाल की कुछ खास राय ले लेते हैं। वह अपनी स्टेप अप डांस एकेडमी चलाती हैं और उन्होंने लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू की हैं। उनकी कुछ वीडियो से आपको रूबरू करवाते हैं। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे चल रहा है आपका लॉकडाउन? मेरा तो जैसे भी चलता है आप लोगों के सामने शो हो जाता है। आर्टिस्ट है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, आपको इन्वॉल्व करते हैं ताकि हमारा प्रोत्साहन बढ़े और हम आगे बढ़ते रहे। तो आज का जो मैंने ये वीडियो बनाया है वो अपने कथक डांस के लिए, मैं आप लोगों को एक टेक्निकल पार्ट दिखाऊंगी कथक डांस का। उसमें काउंटिंग यूज हुई है जो हम लोग स्कूल में सीखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो उसको हम कथक डांस में कैसे तालबद्ध करते हैं, कैसे संगीतमय करते हैं, फिर हम दर्शकों के सामने कैसे पेश करते हैं वो आपको मैं शो करूंगी। और ये तिहाई जो है मैंने अपने गुरुजी स्वर्गीय श्री मधुकर आनंद गुरुजी से सीखा हुआ है और होप सो आपको अच्छी लगे। और तो चलिए मैं आपको सुनाती हूँ, इसके बाद फिर मैं आपको इसको हम पैरों से कैसे निकालते हैं ये भी दिखाऊंगी। तो तिहाई कुछ इस तरीके से है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इसे हम पैरों से कैसे निकालेंगे। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे हम पैरों से निकालते हैं। चलिए कम 30 मिनट का योगा और कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज हफ्ते में 5 दिन करें। रेस्ट भी उतना ही जरूरी है। अपने पूरे दिन के